नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा हिंदी दिवस का पालन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारी प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आए। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने 14 सितंबर को राष्ट्र के साथ मिलकर हिंदी दिवस का पालन किया। आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज इस अवसर पर वेबिनार के माध्यम से आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पी के दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्र, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बी के होता और मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम सहित 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री चट्टराज ने अपने संबोधन में भारत जैसे विविध राष्ट्र के संदर्भ में राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। सीईओ ने कहा कि किसी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि का सीधा संबंध उसकी भाषा से है। जनसाधारण भाषा के उपयोग से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, जो आम जनता को राष्ट्र की शासन प्रणाली से जोड़ सकता है। सीईओ ने आगे कहा कि वर्तमान समय में हिंदी के उपयोग के लिए विभिन्न टूल्स और सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं और ऑनलाइन साइटों की उपलब्धता के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इन सब का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर हिंदी का उपयोग दिन प्रतिदिन की आधिकारिक गतिविधियों में किया जा सकता है। सीईओ ने इस अवसर पर ई पत्रिका राउरकेला इस्पात दर्पण का भी विमोचन किया। राजभाषा संकल्प दिवस का संकल्प सभी उपस्थित जनों को कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह द्वारा हिंदी में और मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री सी आर महापात्र द्वारा उड़िया में कर गया। आरएसपी स्तर पर कविता और लघु कहानी लेखन पर आधारित प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम भी घोषित किए गए। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से दिए जाएंगे। प्रारंभ में महाप्रबंधक जनसंपर्क तथा संचार मुख्य श्री धीरेन्द्र मिश्र ने सभा का स्वागत किया और राजभाषा की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जारी राजभाषा संदेश प्रबंधक कैलिसनिंग प्लांट 2 सुश्री अंकिता बिलोंग द्वारा पढ़ा गया। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का संदेश वरिष्ठ प्रबंधक सीएनआईटी द्वारा पढ़ा गया। भारत सरकार के माननीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का संदेश ओसीटी विद्युत वितरण सुश्री बरखा शर्मा द्वारा पढ़ा गया, जबकि सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी का संदेश वरिष्ठ प्रबंधक MSS श्री रिकी अग्रवाल द्वारा पढ़ा गया। उप महाप्रबंधक जनसंपर्क सुश्री अर्चना शतपति ने समारोह का संचालन किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा सुश्री लोलाती टोपो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। प्लाज्मा दानकर्ताओं की संख्या इस पाँच शहर में जोर पकड़ रही है। वे लोग जिनमें कोविड उपरांत प्रतिरक्षी एंटीबॉडी विकसित हुई है, वे सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच में स्थापित प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान करने के लिए स्वेच्छा से काफ़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। 14 सितंबर को शॉप्स आरएसएम के वरिष्ठ तकनीशियन श्री किशोर चंद्र पात्रा ने आईजीएच में प्लाज्मा दान किया। गौरतलब है कि श्री पात्र जुलाई के महीने में हल्के बुखार से पीड़ित थे। 29 जुलाई को राउरकेला सरकारी अस्पताल आरजीएच में किए गए एंटीजन टेस्ट में उन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया। तुरंत उन्हें 21 अगस्त तक घर के आइसोलेशन के लिए सलाह दी गई थी। आराम और दवा के साथ श्री पात्र बीमारी से उबर गए। इस बीच उनके परिवार के सदस्य ने भी एंटीजन परीक्षण किया और नेगेटिव पाए गए। आरएसपी कोविड कंट्रोल यूनिट के साथ मिलकर हाईटेक और जिला प्रशासन ने श्री पात्र के ठीक होने के बाद उन्हें प्लाज्मा दान के लिए संपर्क किया। श्री पात्र प्लाज्मा दाताओं से प्रेरित होकर तुरंत ही सहमत हो गए। प्लाज्मा दान की उपयुक्तता के लिए प्रारंभिक परीक्षण 12 सितंबर को किया गया।
उपयुक्त पाए जाने के बाद उन्होंने आज अपना प्लाज्मा दान किया। उल्लेखनीय है कि कोविड से ठीक हुए रोगियों से एकत्रित एंटीबॉडी वाले प्लाज्मा कई गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों के मामले में जीवन रक्षक साबित हो रही हैं। प्लाज्मा दान एक सुरक्षित और सरल प्रक्रिया है। कोविड 19 से उभरे लोगों को प्लाज्मा दान के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के संभावित प्लाज्मा दाताओं का पता लगाने के लिए IGH प्लाज्मा बैंक में मरीजों की एंटीबॉडी जांच की जा रही है। हिंदी समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। मैं सुश्री रुक्मणी क्रिकेटा, कार्यपालक सहायक CCW विभाग। मैं आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस कविता के बोल हैं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी का अंधेरा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह मरोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों ही विघ्नों ने घेरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों की विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हड्डियां गलाएं, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद।